हाय ऑल, वेलकम बैक टू द अनदर अपडेट। पर इस बार ये अपडेट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की नहीं है, ये अपडेट है दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे की। जितनी हाइप आज की डेट में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की है, कुछ वैसी ही हाइप आज से कुछ साल पहले तक दिल्ली हरिद्वार हाईवे के बारे में भी थी कि भाई कब जाकर ये हाईवे 4 लेन बनेगा। खैर, फाइनली 2021 के कुंभ तक ये हाईवे 4 लेन में कन्वर्ट हो गया था। अभी इस बात को बीते कुछ 3 से 4 साल हुए हैं और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे के बारे में। ऑफिशियली हाइप तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की है, क्योंकि देश की राजधानी को एक स्टेट की राजधानी से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है ये। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सरकार दिल्ली से हरिद्वार का एक्सप्रेसवे बना रही है, तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से एक स्पर हरिद्वार की तरफ बनाया जा रहा है, जो कि कंट्रोल्ड एक्सेस होगा। मतलब ये भी एक्सप्रेसवे ही होगा जो दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होगा और हरिद्वार के बहादराबाद पर आके NH 334 पर टर्मिनेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। तो सबसे पहले गूगल अर्थ इमेज की मदद से देख लेते हैं कि हरिद्वार स्पर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद कौन कौन से एरिया से होकर हरिद्वार की तरफ बढ़ रहा है। तो ये है NH 344, जिसको हम इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद ये हाईवे सोलानी नदी को क्रॉस करेगा। तो सोलानी नदी को क्रॉस करने के बाद ये हाईवे पहुंचेगा अपर गंगा कैनाल की ओर, और कैनाल के ऊपर यहाँ पे बनेगा एक ब्रिज, और यहाँ से इस ब्रिज के थ्रू ये हाईवे क्रॉस कर जाएगा इस अपर गंगा कैनाल को भी। ये सब आज के अपडेट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अपर गंगा कैनाल के बाद ये हाईवे बढ़ जाएगा बहादराबाद की तरफ, और बहादराबाद पर ये जाके मर्ज हो जाएगा NH 334 पर। तो ये हाईवे जो आप नीचे देख रहे हो, ये है NH 334, और यहीं से ये हाईवे बहादराबाद की तरफ बढ़ जाएगा। NH 334, जो कि आज की डेट में 4 लेन है, उसको भी 6 लेन्स में कन्वर्ट करने का काम चालू हो चुका है। वो सब मैं आपको आज के इस अपडेट में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये सर्विस लेन जिसको अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें कनेक्ट करती है रुड़की बाईपास पर। देहरादून से दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैफिक इसी बाईपास को इस्तेमाल करके दिल्ली की ओर जाता है। वहीं लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक फ्लाईओवर का, ये है हरिद्वार स्पर, जो यहाँ से सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ेगा और फिर वहाँ से थाना भवन शामली होते हुए दिल्ली के अक्षरधाम पर टर्मिनेट होगा। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम बढ़ रहे हैं बहादराबाद की तरफ, और आप यहाँ देख सकते हो सामने कुछ एलिवेटेड सेक्शन को बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ से ये हाईवे इस रुड़की बाईपास को क्रॉस करता हुआ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर इस एलिवेटेड सेक्शन को बनाया जा रहा है। कुछ पॉइंट पर आप देख रहे हो पियर्स बन चुके हैं, गर्डस लॉन्चिंग हो रखी है, बट वो भी छोटे से हिस्से पे ही हुई है। हालांकि जो हमारे लेफ्ट साइड में हाईवे है, ये रुड़की बाईपास है। अगर किसी को इस हाईवे का नंबर मालूम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल हम बढ़ते हैं NH 344 की तरफ, जो ओरिजिनली अम्बाला को रुड़की से कनेक्ट करता है, और वहाँ से जाकर देखते हैं हरिद्वार स्पर का ये एलिवेटेड सेक्शन कितना बनके तैयार हुआ है। तो ये हम रुड़की बाईपास को छोड़कर अब जा रहे हैं NH 344 की तरफ। ये गाइस छुटमलपुर रुड़की रोड है, और यहाँ सामने आप देख सकते हैं, आपको सामने एलिवेटेड सेक्शन नज़र आ रहा होगा। NH 344 की कनेक्टिविटी को अगर छोड़ दें तो लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में कुछ कुछ जगह पर पियर्स, पियर गर्डर्स, वो सब कुछ लॉन्च कर दिए गए हैं, और कहीं कहीं पे डेक स्लैब्स को बनाने का काम भी चल रहा है। तो लेफ्ट साइड से हाईवे हरिद्वार की तरफ निकल रहा है और राइट साइड से दिल्ली की तरफ। इस पॉइंट से ये हाईवे बढ़ जाएगा सोलानी रिवर की तरफ, जहाँ पर बनाया जाएगा ब्रिज, और उसके बाद वहाँ से ही हाईवे बढ़ जाएगा बहादराबाद की तरफ। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस समय मैं देहरादून की तरफ बढ़ रहा हूँ। दोनों ही साइड आप देख सकते हो जो एलिवेटेड सेक्शन बनाया जा रहा है हरिद्वार स्पर का। तो रुड़की शहर को क्रॉस करके अब हम आ गए हैं अपर गंगा कैनाल रोड पर, जहाँ से ये हाईवे इस कैनाल को भी क्रॉस करेगा। फटाफट से चलते हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर सोलानी रिवर को क्रॉस करके कुछ दूरी तय करके जो हरिद्वार स्पर है वो कनेक्ट हो जाएगा अपर गंगा कैनाल रोड पर। तो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं अपर गंगा कैनाल के उस पॉइंट पर जहां पर हरिद्वार स्पर इस नहर को क्रॉस करेगा। तो आप सामने देख सकते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन सामने चल रहा है, क्योंकि यहां बनाया जाएगा एक ब्रिज। तो आप सामने देख सकते हैं कुछ पियर्स कंस्ट्रक्ट करने का काम यहां पर किया जा रहा है, और लेफ्ट साइड में कुछ पियर्स बने हुए नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर पियर कैप्स का काम नहीं किया गया है।
यहाँ पर हुए काम को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी काम काफी इनिशियल स्टेज पर हुआ है यहाँ। अब फटाफट से चलते हैं इस नहर के दूसरी साइड और वहां जाकर देखते हैं क्या कुछ काम हो रखा है। तो गैस अब हम आ गए हैं अपर गंगा कैनाल के दूसरी साइड और एक बार यहाँ से भी देखते हैं कितना काम हो चुका है पियर्स का इस साइड। तो गैस यहाँ से आप देख सकते हो ये ऑपरेशनल नहर है और इस नहर के अंदर पियर्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया गया है। दोनों साइड पियर कैप्स भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। लेफ्ट और राइट के पियर्स को बनाने का काम चल रहा है। एक बार जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद गर्डल लॉन्चिंग का काम शुरू किया जा सकेगा। नहर के अंदर के पियर्स बनके रेडी हैं। उसके अलावा रोड के ऊपर जो पियर्स बन रहे हैं उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो गैस अब मैं बढ़ रहा हूँ कलियर रोड की तरफ और वहाँ से मैं एग्ज़िट लूँगा इस अपर गंगा कैनाल रोड से और उसके बाद अगले पॉइंट पर चलेंगे और वहाँ से देखेंगे कि कितना काम हो चुका है हरिद्वार स्पर का। तो ये मैं पहुँच चुका हूँ। अगर यहाँ से लेफ़्ट चले जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे कलियर और अगर हम यहाँ से राइट चले जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे रुड़की बहादुराबाद रोड पर। तो दोस्तों अपर गंगा कैनाल रोड क्रॉस करने के बाद अभी हम हैं कलियर रोड पर और यहाँ आपको सामने कुछ काम होता नज़र आ रहा होगा। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर पियर्स को बनाने का काम शुरू ही हुआ था। अभी लेफ्ट साइड के पियर्स यहाँ बनके रेडी हो गए हैं बट राइट साइड का अभी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। यहीं से ये हाईवे बहादुराबाद की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये अब हम आ गए हैं NH 334 पर जिसको NH 58 के नाम से भी जाना जाता है यानी कि हरिद्वार दिल्ली रोड और हम बढ़ रहे हैं हरिद्वार की तरफ। तो थोड़ा सा ही आगे हम चलेंगे और उसके बाद लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलेगा हरिद्वार स्पर का कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों ये हरिद्वार रुड़की का मेन हाईवे भी है, यही है हरिद्वार दिल्ली रोड भी। NH 58 इसका ओल्ड नाम है, नया नाम है इसका NH 334 और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो पियर्स कंस्ट्रक्शन का काम आपको नज़र आ रहा होगा। तो हरिद्वार इस पर इसी पॉइंट पर आके मर्ज हो जाएगा NH 334 पर। तो ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो जहाँ पर पियर्स कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और काफ़ी सारा सेक्शन इस हरिद्वार इस पर का भी एलिवेटेड है क्योंकि जो सोलानी रिवर है उसकी स्ट्रीम काफ़ी दूर तक फैली हुई है इस हरिद्वार रोड के वाले क्षेत्र में, तो काफ़ी ज़्यादा एरिया इसका एलिवेटेड भी होने वाला है। अब हमें NH 334 पर जिसको 2021 के कुंभ के दौरान ही 4 लेनिंग में कन्वर्ट किया गया था, अभी इस सेक्शन को कंट्रोल्ड एक्सेस में कन्वर्ट किया जा रहा है खास तौर से हरिद्वार स्पर को कंप्लीट करने के लिए। राइट साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर पिलर्स बनाए जा रहे हैं बिल्कुल सेंटर में। अगेन ये चीज़ हम शांतिकुंज वाले फ्लाईओवर में देख चुके हैं, सिंगल पिलर 6 लेन रोड एलिवेटेड रोड और वही सेम चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल रोड के सेंटर में सिंगल पिलर और एक काफ़ी बड़ी आर्म जिसके ऊपर 6 लेन रोड को बनाया जाता है। इस समय हम बढ़ रहे हैं बहादुराबाद की तरफ और यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया एक्वायर कर लिया गया है रोड वाइडनिंग के लिए। जो 4 लेन रोड थी उसको 6 लेन में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया एक्वायर कर लिया गया है। तो जितना भी कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पर हो रहा है वो इस हाईवे को 6 लेन में कन्वर्ट करने के लिए हो रहा है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी प्रॉपर तरीके से एरिया एक्वायर किया गया है ताकि इस हाईवे को कंट्रोल्ड एक्सेस किया जा सके और लेफ्ट और राइट में एक ऐसी लेन बना के दे दी जाए जिससे कि लोकल ट्रैफिक कम्यूट कर सके। हम पतंजलि योगपीठ के काफ़ी करीब हैं इस समय और पतंजलि के सामने ऑलरेडी जो फ्लाईओवर है वो 6 लेन है तो उसको तो एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पतंजलि योगपीठ के पहले और उसके बाद में जितनी भी रोड थी वो 4 लेन थी उसको भी 6 लेन में कन्वर्ट करने का काम शुरू हो चुका है। ये देखो गाइस, तो लेफ्ट साइड में एकदम नई लेन बनाई गई है और अभी हम जो चल रहे हैं वो 2 लेन है, इसको भी 3rd लेन एक्सटेंड यहाँ पर की जाएगी बहुत जल्द। हालाँकि जैसे जैसे नए अपडेट्स इस हाईवे पर होंगे वो मेरे वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगे, बट अभी का जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ है उसको देखकर जो अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ मैं वो यही है कि लेफ़्ट और राइट साइड में पहले लेन को तैयार कर लिया जाएगा ताकि ट्रैफिक को उधर डाइवर्ट किया जा सके और उसके बाद जो मेन लेन है, जो मेन कैरिज वे है, उसको 6 लेनिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। एज पर द रिपोर्ट्स गंगा एक्सप्रेस वे को भी हरिद्वार की तरफ एक्सटेंड किया जाएगा, तो आने वाले समय में ये पर्टिकुलर एरिया काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करेगा। इस समय हम हैं पतंजलि योगपीठ के सामने वाले फ्लाईओवर पर जिसको आप देख रहे हो, ये पहले से ही लेफ्ट में 3 लेन दिखाई दे रही है आपको, राइट में भी 3 लेन्स है, मतलब ये 6 लेन फ्लाईओवर पहले से ही है
और एक बार जैसे ही हम ये फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे तो मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ कि इसके आगे बहादुराबाद की तरफ क्या कुछ काम हो रहा है इस हाईवे को 6 लेन में कन्वर्ट करने के लिए। तो गाइस अब आप यहाँ लेफ्ट में देख सकते हो, यहाँ पर कुछ आपको बिल्कुल नया काम हुआ दिख रहा होगा। ये है जो रोड को एक्सटेंड करने का काम यहाँ पर चल रहा है। तो अभी हम बहादुराबाद के काफ़ी क्लोज हैं, पतंजलि योगपीठ क्रॉस करने के बाद आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो लेन एक्सटेंशन का काम यहाँ भी शुरू हो चुका है। क्योंकि अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज पर है तो और कुछ महीनों के बाद आपको मैं और अच्छे सा अपडेट दे पाऊँगा, लेकिन इस अपडेट में आप देख सकते हो कि जो ऑलरेडी 4 लेन हाईवे बना था हरिद्वार दिल्ली का, उसमें हरिद्वार से बहादुराबाद वाले पार्ट को किस तरीके से 6 लेन में कन्वर्ट करने का काम चालू हो चुका है। गाइज, हरिद्वार स्पर का कंस्ट्रक्शन अभी बहादुराबाद टोल प्लाजा तक एविडेंट है, जिसका अपडेट मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक मारना, अगर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना अगला अपडेट कहाँ का चाहते हो। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।